हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पाइस विद तब्बू। तो गाइस, आज की हमारी रेसिपी है जमजम पुलाव। जमजम पुलाव के अंदर हम बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि मटन, चिकन, अंडे, कोफ्ते, पोटैटो, शिमला मिर्च, गाजर, इन सभी चीज़ों को मिला के बनता है जमजम पुलाव। तो चलिए देखते हैं आज हम जमजम पुलाव की रेसिपी। अगर आप लोगों को जमजम पुलाव की रेसिपी जानना है तो मेरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक फुल वॉच कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं हम जमजम पुलाव। यहाँ पे हमने खाली बाउल लिया है, उसके अंदर 1/2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, अब हम उस मसाले में अंदर ऐड करेंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोफ्ता बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमने मटन का खीमा लिया है, 1/2 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 प्याज हमने बारीक चॉप करके लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करना है। अब अच्छे से मिक्स करिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा खीमा रेडी हो गया है। अब हम उसके छोटे छोटे कोफ्ते रेडी करेंगे। साइज आप आपके हिसाब से रख सकते हो, आपको जितनी बड़ी छोटी साइज चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने फ्रेंच फ्राई लिया है, यहाँ पे हमने 2 हिस्सों में फ्रेंच फ्राई को डिवाइड किया है। एक हिस्से में हमने रेड फूड कलर ऐड किया है और एक हिस्से में येलो। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे पोटैटो को कलर लगा के रख दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म किया है, अब हम उसके अंदर गाजर को लंबा कट करके ऐड करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हमें फ्राई करना है। अब हम निकाल के सेपरेट बाजू में रखेंगे। इसी तरीके से हमने शिमला मिर्च को भी लंबा कट करके सिर्फ 2 मिनट इसे फ्राई करना है। अब हम पोटैटो को भी फ्राई करके निकालेंगे। पोटैटो को हम 2 मिनट नहीं ज्यादा रखेंगे, क्योंकि वो फ्राई होने के लिए टाइम लगते हैं। Thank you.
सिंपल सा बनता है जमजम पुलाव और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। आप लोगों को मेरी आज की जमजम पुलाव की रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।